हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। सो भी एवरलास्टिंग लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो यंजू होता है ना और लूजिन, वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते होते हैं कि तभी लूजिन को यंजू की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स उसके निकलवाता है और एंड में उसे पता चलता है कि जो यंजू है ना उसकी प्रेगनेंसी फेक है और जो जिंगशो है उसकी वजह से उसे ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से लूजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। अभी हम इस एपिसोड में देखते हैं जो लूजिन है वो यंजू को पकड़ते हैं और फिर उससे बोलता है कि मैं इसे खुद से हैंडल करूँगा और फिर वो उसकी बैली पर बहुत ही ज़ोर से रब करता है। तो यंजू से बोलता है कि प्लीज़ लूजिन ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जो लूजिन है वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और फिर वो और भी ज़्यादा ज़ोर से उसकी बैली को दबा देता है, जिसकी वजह से यंजू बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है। तभी जो लूजिन है वो अपने मन में सोचता है कि यंजू तुम सिर्फ मेरे हो और तुम सिर्फ मुझे ही बिलोंग कर सकते हो और अभी तुम्हें दूसरों लोगों ने गंदा कर दिया है, इसलिए मुझे खुद से ही तुम्हें वॉश करना होगा। तभी जो यंजू है ना वो उसे बोलता है कि लूजिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे और हमारे बच्चे को बहुत ही अच्छे से रखोगे और केयर करोगे और अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसका खुद से ख्याल रख लूँगा। और उसकी बात सुनकर लूजिन को और भी गुस्सा आता है और उससे मतलब बहुत ही ज़ोर से पकड़ता है और उससे बोलता है कि मुझे बताओ तुमने और उस साउरिंग ने क्या किया है और तुम मेरे पीछे ये सब क्या कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। तो यंजू उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। तभी लूजिन उसे पकड़ता है और उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग दिखाता है, जो कि जो जिंगशो है वो उसकी होती है जब वो रूम में एंटर होता है यंजू के। तो लूजिन उससे बोलता है कि तुम इस पूरे टाइम में क्या कर रहे थे और फिर वो और भी ज़ोर से जो यंजू है उसकी बैली को पकड़ता है और वो बहुत ही बुरे तरीके से उसे मारता है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का यूज़ करता है। तभी जो लूजिन है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का नहीं लगा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी फेक है, लेकिन इस बात का लगा कि जब मैं ट्रिप पे था, बिजनेस ट्रिप पे, तो तुम ये सारी चीज़ें कर रहे थे मेरे पीठ पीछे। और फिर हम देखते हैं जो लूजिन है उसे डॉक्टर के साथ और डॉक्टर ने उसे बोला था कि हमें जो फेक प्रेगनेंसी है उसका जल्दी से इलाज करना होगा। और जब उसे पता चला था ना तो उसने बहुत ही ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज निकाले कि यंजू कहाँ कहाँ गया था और फिर उसे पता चल जाता है कि वो पूरा टाइम जिंगशो के साथ था और उसी की वजह से उसे ऐसी सिम्टम्स हो रहे हैं। और फिर अभी लूजिन सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगे और तुम मुझे इतना बड़ा झूठ बोलोगे। तभी लूजिन उसे पकड़ता है उसकी चिन को और उसे बोलता है कि फेक प्रेगनेंसी के साथ तुमने अपनी जो रियल प्रेगनेंसी है उसकी रिपोर्ट बदल दी और इतना ही नहीं तुमने मुझसे और भी बहुत कुछ छिपाया। तो यंजू उससे बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो लूजिन उससे बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो रैबिट्स हैं उसमें उनमें जो हीट होती है ना बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है, तो तुम मुझसे सेटिस्फाई कैसे हो सकते हो। और फिर वो उसे बहुत ही ज़ोर से मारता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए फन था मुझे एक फूल की तरह ट्रीट करना। और तभी जो यंजू है ना वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी शांति भरी ज़िंदगी में वापस जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यंजू उसे बोलता है कि नहीं मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। और लूजिन उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि मुझे बताओ तुम कितने लंबे टाइम से जिंगशो के साथ हो और वो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, तुम ज़रूर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते होगे। तो यंजू उसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर हम देखते हैं वहाँ पर लूजिन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है और तभी हम देखते हैं जो यंजू होता है ना उसके नीचे से ब्लड आ रहा होता है और फिर जो लूजिन है वो उसके ऊपर रिपोर्ट्स फेंकते हैं और डॉक्टर्स को बोलता है कि तुम बाकी सारी चीज़ों को सेटल कर दो। तभी डॉक्टर्स आते हैं और उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं और उधर यंजू अपने रिपोर्ट्स को देख रहा होता है और बोलता है कि ये फेक प्रेगनेंसी नहीं थी, मुझे पता था। और फिर वो उस रिपोर्ट को पकड़ता है और अपनी बैली को भी पकड़ता है और सोचता है कि मेरे पास सिर्फ तुम ही एक लास्ट होप थी, तुम्हारे होने से मुझे लूजिन की बहुत ही कमी याद आती थी।
और अभी मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझसे प्यार करता हो। तभी वो लूजिन को जाते हुए देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो अभी नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो पिंक्शन होता है ना, वो अपने हॉस्पिटल में होता है और अपने अटेंडेंट से बोल रहा होता है कि जो लूजिन है वो उसका फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहा, और हमारे जो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी एक्सपायर होने वाले हैं और वो मुझे कोई भी चीज़ का आंसर नहीं कर रहा। तभी वो कहता है कि मैं एक बार फिर से उसे ट्राई करता हूँ कॉल करने का। तभी जो लूजिन है उसका फ़ोन उठा लेता है तो वो पिंक्शन उससे बोलता है कि तुम मेरे फ़ोन को आंसर क्यों नहीं कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा लूजिन है वो उसे बोलता है कि क्या तुमने हेल्प की थी अपने भाई की एनजी को ढूंढने के लिए। तो जो पिंक्शन है वो उससे बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिर जो लूजिन है वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और वो ऐसे धमकी भरी आवाज़ में बोलता है। तो जो पिंक्शन है वो थोड़ा डर जाता है और फिर वो फ़ोन को काटता है और अपने अटेंडेंट से बोलता है कि मुझे रिपोर्ट दो कि लास्ट टाइम पे लूजिन क्या कर रहा था और वो किसे चेकअप के लिए लेकर आया था। तभी जो पिंक्शन है उसे पता चल जाता है यंजी के बारे में। और इधर हम देखते हैं जिंशा होता है ना, वो हमारे यंजी की नोटबुक होती है उसके पास, क्योंकि उस डायरी में यंजी ने अपनी पूरी जो भी उसकी लाइफ में हुआ था वो सब चीज़ें लिखी हुई थी। उसके देख के जो यंजी है जिंशो है उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी वो अपने एक फ्रेंड से बोलता है कि क्या तुमने कभी किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है जब तुम उसे दूर से देखते हो। तभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर फंक्शन की एंट्री होती है। तो उधर देख के जो वो लड़के है वो उसे बाहर निकाल देते हैं। तभी पिंक्शन उसे अपने भाई पे बहुत ही ज़ोर से हाथ उठाता है और उसे बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की वाइफ के साथ खेलने का, अब देखो तुमने क्या कर दिया है, तुमने उस बेचारे रैबिट का क्या हाल कर दिया है। उसकी बात सुनकर जो जिंशा है वो समझ नहीं पाता। तभी पिंक्शन उससे बोलता है कि देखो इन पूरी रिपोर्ट्स को कि तुमने उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा मिजरेबल बना दी है। जो लूजिन है उसने बहुत ही ज़्यादा हार्श तरीके से उसे फोर्स किया अपनी जो प्रेगनेंसी है उसे अबॉर्ट कराने के लिए, मतलब बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए देखो। और फिर जिंशन उसे कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वो रिपोर्ट्स पढ़ता है और वो बोलता है कि फोर्स अबॉर्शन ऐसा कैसे, और फिर वो अपने भाई से कहता है कि यंजी को कितना ज़्यादा पेन हुआ होगा और वो कितना ज़्यादा डरा हुआ होगा। और फिर वो बोलता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। और फिर वो अपने भाई से बोलता है कि लेकिन मैं यंजी के साथ हॉस्पिटल में गया था और उन्होंने हमें बताया था कि यंजी की प्रेगनेंसी रियल है। तो जो उसका भाई है वो उसे बोलता है कि नहीं वो डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम होगी और जो हमारा हॉस्पिटल है उसकी डायग्नोसिस में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो जो जिंशा है वो बोलता है कि तो फिर उस हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम होगी, मैं इसके बारे में चेक करता हूँ। तभी जो पिंक्शन है उसे बोलता है कि नहीं तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें पता है लूजिन तुम्हें बहुत ही गुस्से तरीके से ढूंढ रहा है, और तुम्हें पता है अगर तुम यहां से एक कदम भी बाहर गए तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूं, मुझे तुम्हें कंट्रोल करना आता है। तो वो जो जिंशा है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे मार दो, मैं यहां से ज़रूर जाऊँगा, यंजी को मेरी ज़रूरत है। तभी विंशा अपनी पावर्स का यूज़ करता है, उसके अंदर पावर्स होती हैं ग्रेविटी को कंट्रोल करने वाले, और फिर वो जो जिंशो है उसे फोर्स करता है और हमारा जिंशो वहाँ पर कैद हो जाता है और वो यंजी से नहीं मिल पाता। सो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो विंशो होता है ना वो आता है जिंशो के पास और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें अभी पता चल गया है कि तुमने क्या गलत किया है। और हम देखते हैं जो जिंशा होता है वो दो दिन तक उसी रूम में बंद होता है और पिंक्शन उसे कहीं भी जाने नहीं देता। तो पिंक्शन उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे बोलता है कि देखो तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए और तुम्हें लूजिन से अभी के अभी जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जो जिंशा है वो उससे बोलता है कि माफ़ी वो भी उससे, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, वो इस माफ़ी को डिज़र्व भी नहीं करता, अगर मुझे किसी से माफ़ी मांगनी है तो मैं यंजी से मांगूँ क्योंकि मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है, और अगर मेरे फेरोमोन्स नहीं होते तो उसकी फेक प्रेगनेंसी नहीं होती। और फिर वो बोलता है कि जो लूजिन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, उसने कभी यंजी की परवाह ही नहीं की है। और फिर जो जिंशा है वो गुस्सा दिखाता है थोड़ा और अपने भाई से बोलता है कि तुमने मुझे इतनी ज़ोर से मारा और मुझे यहाँ घर पर कैद किया है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जो पिंक शो है ना
वो जिंगशो को ऐसे देख के थोड़ा मान जाता है क्योंकि वो पिंगशो से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो पिंगशो उसे बोलता है कि ठीक है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ब्रोशर को देखने लो, फिर मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आऊँगा। और फिर वो उसे बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वेलन हो गई है। और फिर वो वहाँ पर अपनी आंटी को बुलाने जाता है, तभी जो जिंगशो है मौका देख के उस पर अटैक करता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। तो पिंगशो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा है ना घर वापस आओ वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिंगशो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग चुका है। अभी वो यंजिन को ही तलाश कर रहा होगा। सो इधर हम देखते हैं जो लुजिन होता है ना, वो अपने फ़ोन की ओर घूर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि यंजिन ने मुझे अभी तक कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया और उसकी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। उसे क्या मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, उसने कितना गलत किया है, पहले तो फेक प्रेगनेंसी और उसके बाद इतना बड़ा झूठ बोला मुझे इतने लंबे टाइम से, और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने मुझे इतने लंबे टाइम से कॉन्टेक्ट नहीं किया है। और फिर वो याद करता है लुजिन और यंजिन को कि उस टाइम पे वो हमेशा यही बोल रहा था, मतलब जब वो उस बच्चे को अवार्ड कर रहे थे कि ये प्रेगनेंसी फेक नहीं है, उसने टेस्ट रिपोर्ट को फेक नहीं किया था। और फिर अभी यंजी के बारे में सोचते हुए लुजिन सोचते हैं कि अभी मैं सोचूं तो इतने सालों में कभी यंजी ने मुझे झूठ नहीं बोला, और उस टाइम पे जब मैंने उसे बोला था कि उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट फेक है तो उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज से भरा हुआ था और थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन वो गिल्टी नहीं था। तो आगे लुजिन सोचता है कि अगर उसकी प्रेगनेंसी फेक थी तो वो कभी मेरे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए राज़ी ही नहीं होता, और जब मैं उसे चेकअप करने के लिए जा रहा था तो उसे मुझसे रिजिस्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत ही ओविडेंटली मेरे साथ चेकअप के लिए गया। और फिर अभी वो सोच रहा होता कि अगर उसे पता होता कि वो फेक प्रेगनेंसी है और वो फेक डायग्नोस है तो वो कभी ऐसा नहीं करता। और फिर वो उस हॉस्पिटल के बारे में सोचता है कि ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है, ज़रूर किसी ने हमारे बीच में मिस अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए ऐसा कुछ किया है। और फिर वो सोचता है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। तभी जो लुजिन है अपने माथे पर हाथ रखता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्ट करता, थोड़ा कामली एक्ट करता वहाँ उस टाइम पे और यंजी पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता तो ऐसा अभी नहीं होता, उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा अग्रेसिवली एक्ट नहीं करना चाहिए था। तभी लुजिन अचानक से सोचता है कि अगर यंजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला तो इसका मतलब यही है कि यंजी अभी तक यही सोच रहा होगा कि मैंने इंटेंशली हमारे बच्चे को मारा था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, मुझे उससे क्लियरली पूछना चाहिए, मैं उसे ऐसे सोचने नहीं दे सकता कि मैं मर्डरर हूँ उसके बच्चे का। तभी जो लुजिन है वो अपने घर जाता है और वहाँ पर देखता है कि जो डोर है वो लॉक नहीं था, और तभी वो अचानक देखता है तो वहाँ पर एक फ्लावर वास गिरा होता है। तभी वो यंजन को ढूंढता है इधर उधर और फिर वो सोचता है कि क्या ही वो बाहर तो नहीं गया, और फिर वो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसकी सीक्रेट प्लेस पे जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर सो रहे हो, लेकिन यंजन वहाँ भी नहीं होता। और फिर वो यंजन को वहाँ पर इमेजिन करता है कि ज़रूर यंजन यहाँ पर बैठा होगा और रो रहा होगा कि मैं उसे सेव करूं और मैं यहाँ से लेकर जाऊं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तभी वहाँ अचानक से वो देखता है कि यंजन आजकल इस बुक को ज़रूर अपने पास रखता है, मतलब नोटबुक को, इसमें ज़रूर कुछ होगा। तभी हम देखते हैं उस नोटबुक से थोड़े बहुत जो रोज़ के पैलेट्स होते हैं वो गिर रहे होते हैं, और वहाँ पर उसने नोट्स लिखे होते हैं अपने बेबी के बारे में जो भी वो फील करता है। तभी वहाँ पर उसने सोचा होता है अपने बेबी का नाम यानलू और लुई, ये दो नाम उसने सोचे होते हैं। और तभी हमारा जो लुजिन है वो कांपने लगता है और सोचता है कि उसे बहुत ही बुरा लगा होगा क्योंकि वो इतनी बेसब्री से बेबी के आने का वेट कर रहा था। यंजी ज़रूर यही सोच रहा होता है कि मैंने अपने बच्चे को अबॉर्ट किया है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी वो इधर उधर ढूंढता है लेकिन यंजी उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे वहाँ पर जो शव एंजी है उसके फेरोमोन्स मतलब रियलाइज़ होते हैं, और तभी वो शॉक हो जाता है कि शव एंजी यहाँ पर क्या कर रहा था।
सो भी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो यंजी होता है ना, वो एक सेल में होता है और वो काँप रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं उसके गर्दन पर एक मतलब मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगे होते हैं। तभी यंजी अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। तभी शोवेंची लाइट ऑन करता है और वहाँ उसके सामने जाता है। तो यंजी उसे देखते हैं और सोचता है कि शोवेंची, और फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी शोवेंची उसे बोलता है कि तुम फाइनली उठ गए, क्या तुम्हें मुझे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए तुम्हें एक हेल से रेस्क्यू करने के लिए। तभी शोवेंची अपने मन में सोचता है कि 3 साल पहले मैंने इन्वेस्टिगेट किया था लूजिन के बारे में और मुझे पता चला था कि उसके पास एक ओमेगा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर है, उसके ग्लैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तभी से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मैं कैसे उस लिटिल रैबिट को चुरा सकता हूँ। मैं उसे बिलीव करना चाहता था कि मैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहूँगा, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें प्लान की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शोवेंची है उसी ने हमारे जो रैबिट है उसकी रिपोर्ट्स बदली थी। सो आगे जो शोवेंची है ना वो सोचता है कि सबसे पहले मैं चाहता था कि जो रैबिट है वो बिलीव करे कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर मैं चाहता था कि वो बिलीव करे कि लूजन की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी दरार पड़ सकती थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शोवेंची उसी ने उसकी फेक रिपोर्ट्स प्रिपेयर किया था। तभी जो शोवेंची वो सोचता है कि मैंने सुना था कि तुम दोनों बहुत ही करीब हो, इसीलिए मैं तुम दोनों की सोल्स को सेपरेट करना चाहता था, और अगर तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड कपल हो तो तुम इतनी जल्दी तो सेपरेट नहीं होगे, इसलिए मैंने तुम्हारे इमोशनल का फ़ायदा उठाया। और फिर वो उसे उठाता है और उससे बोलता है कि चलो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए। तो यंजी पहले मना करते हैं, तो शोवेंची उसे बोलता है कि नहीं हम दोनों बाहर चलते हैं, इससे तुम्हारी हेल्थ बेटर होगी। तभी वो दोनों गार्डन में जाते हैं और जो शोवेंची अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे सामने बैठा जो रैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, अगर मैंने इस पर अपने शार्प फैंग्स यूज़ किए, मतलब जो अल्फा फैंग्स होते हैं मार्क करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं इसे अभी मार्क नहीं करूँगा, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता मैं कब इसे मार्क करूँगा और लूजन के सेंट इससे रिमूव करूँगा। और फिर वो सोचता है कि जो A3 ओमेगास होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और अल्फा जो हैं वो हमेशा ही उसकी ओर अट्रैक्ट होते रहते हैं, इसीलिए मुझे इसे बचाने के लिए इसे अपना मार्क देना ही होगा। और फिर मैं बता नहीं सकता है कि मैं कितना ज़्यादा खुश होऊंगा जब ये एक रूथलेस वेपन में चेंज हो जाएगा मेरे हाथों में। तभी शोवेंची उसे बोलता है कि क्या तुम थक गए हो तो तुम यहाँ पर सो सकते हो। तभी शोवेंची उससे बातें करने लगता है कि तुम्हें पता है लूजिन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और हार्टलेस इंसान था, उसके ऊपर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा फूलिश है, तुम उससे मूव कर सकते हो और तुम्हें पता है मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा खुश रखूँगा। तभी जो यंजी है ना वो अपने मन में सोचता है कि नहीं लूजिन ऐसा नहीं था, वो हमेशा से रूथलेस नहीं था, कोई भी उसे मुझसे बेटर तरीके से नहीं जानता, मैं उसे बचपन से देखता आया हूँ, वो हमेशा ही किचन में अकेला रहता था और अपने पियानो प्ले करता था और वो हमेशा ही मेरा केयर करता था, जब मैं छोटा था तो वो हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता था, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। जो लूजिन है उसने हमारे बच्चे को मार दिया और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके बारे में क्या सोचूं, कि वो रूथलेस है या फिर वही पुराना लूजिन जिससे मैं प्यार करता था। और फिर वो सोच रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ टूट रही है, ऐसा लग रहा है जो भी हमारे बीच में था वो एक लंबी हिस्ट्री थी। और तभी शोवेंची उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्या तुम वापस जाना चाहते हो। तभी हम देखते हैं जो हमारा यंजी होता है ना उसके नेक पे निशान होते हैं इंजेक्शन के, जो वो इंजेक्शन है उससे धीरे धीरे इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है और उससे खुद का पता नहीं रहता। तो भाई जो शोवेंची ना वो उसकी मेमोरी मिटाने की कोशिश कर रहा है। तभी यंजी ना वो उससे बोलता है कि जो 13 लीव्स अभी फॉल हुए हैं और अगर 13 लीव्स और ज़्यादा फॉल होंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो यहाँ पर पेड़ की बात कर रहा होता है कि अगर उसमें से 13 लीव्स फॉल हुए तो हम वापस चलेंगे। तो शोवेंची उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अकंपनी करूँगा। तभी
टाइम हो जाता है और हमारा जो गंजी है वो वहीं पर सो जाता है। तो शावंशी उसे उठाता है और उसे वापस लेकर चलता है। और तभी जो यंजी है वो उठता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें भी मेरे ग्लैंड चाहिए। तो शावंशी उससे बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, कौन सा ऐसा अल्फा होगा जिसे वो नहीं चाहिए होंगे। और फिर तभी वो जाके उसे उसकी जो सेल है उसे बंद कर देता है। तो यंजी उससे बोलता है कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो शावंशी उससे बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी जो शावंशी है उससे बहुत ही बुरे तरीके से बांध देता है और उसे बोलता है कि जब तक तुम बिहेव करना नहीं सीख जाते तब तक तुम्हें इसी केज में रहना होगा, उसके बाद ही तुम बाहर आ सकते हो। और तभी हम हमारे यंजी को देखते हैं जो उसी सेल में होता है। और धीरे धीरे जो वंजी है वो यंजी की मेमोरी को इरेज कर देगा और लूजिन का पूरा जो उसके लाइफ में इम्पॉर्टेंट था वो ख़त्म कर देगा। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने पहले ये स्टोरी रीड की हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा।